अजमेर कांग्रेस की ओर से लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस के साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज ओबीसी प्रकोष्ठ की ओर से 9 नंबर पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल को सड़क पर रखकर विरोध जताया गया। साथ ही हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, जिससे कि केंद्र सरकार तक बात पहुंचे और वह आम जनता को राहत प्रदान करे। इस मौके पर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन व अन्य कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जैन ने बताया कि मोदी सरकार ने चुनाव से पहले कई वादे किए थे और पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर वह सत्ता में आए, लेकिन लगातार पेट्रोल डीजल और गैस के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण अन्य सामग्री भी महंगाई की चरम पर पहुंच चुकी है, जिसके खिलाफ 7 दिवसीय आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तीसरे दिन आज विरोध प्रदर्शन किया गया। जिस तरह आप देख रहे हैं कि रसोई गैस, पेट्रोल डीजल, जितने पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनमें भारी वृद्धि, इसके अलावा देश के अंदर जिस तरह अभी महंगाई ने, कमर तोड़ महंगाई ने लोगों का जीना परेशान कर दिया है, लोगों का रहना दुर्लभ कर दिया है, उस स्थिति में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आह्वान किया गया था कि 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक विभिन्न तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके तहत आज यहाँ ओबीसी प्रकोष्ठ द्वारा जो पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके अंदर हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम है। और मेरा ये पूछना है मोदी जी से कि भाई जिस तरह आज हमारे देश के अंदर महंगाई आप बढ़ा रहे हो, जब आप बोलते थे कांग्रेस सरकार थी 8 आने बढ़ जाते थे, 50 पैसे बढ़ने पर तो आप हल्ला मचा देते थे, आप बोलते थे कि हमें जब मोदी सरकार आएगी तो ये सब चीज़ सस्ती कर देगी, जबकि हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि क्रूड ऑयल पहले से आधे कीमत पे आज की तारीख में मिल रहा है, जिसे कच्चा तेल अपन कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कीमतें उसकी आधे पैसे हैं पहले से, और पहले 70 रुपये के अंदर पेट्रोल था, आज 110 रुपये आपने पेट्रोल कर दिया है। इसी तरह रसोई गैस आपने 850 तक पहुँचा दिया है, डीजल आपने 100 रुपये पहुँचा दिया है, आज खाने के तेल को आपने 250 रुपये किलो कर दिया है, दालें 150-150, 200-200 रुपये किलो हो गई है। तो मोदी जी आप क्या लोगों के निवाला छीनना चाहते हैं? मोदी सरकार जो है कॉरपोरेट कंपनी की सरकार है, वो अडानी और अंबानी के हिसाब से जो है हर कीमतों को तय कर रही है। उनकी आज आप जितने भी आइटम देख लें जो महंगे हुए हैं खाने पीने के, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ, सब में अडानी और अंबानी जो है इन्वॉल्व हैं। उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले उस चीज़ के लिए आम जनता की जेब काटी जा रही है, आम जनता के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, आम जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ओबीसी प्रकोष्ठ के द्वारा पूरे राजस्थान के अंदर जिला स्तरीय ये पेट्रोल डीजल महंगाई के लिए ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जो मोदी सरकार ने जो लोगों को वादे किए थे उन वादों को वो खरे नहीं उतरे हैं। आज पेट्रोल डीजल के वो चिल्ला के अपने सत्ता पे लिए लोग और पब्लिक को उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, सस्ता नहीं करेंगे, कांग्रेस के राज से डबल कर दिया है। आज 107 रुपये की रेट पेट्रोल की है, डीजल की 100 रुपये होने आ रही है। आज ये भारत के अंदर कोरोना काल के अंदर जनता पिस रही है, मर रही है, उसके अलावा इन लोगों ने इस पेट्रोल पंप पे नियंत्रण नहीं किया, अपने महंगाई को नियंत्रण नहीं किया, जनता कहाँ जाएगी? इन्होंने वो वादे किए थे, मैं आपको बता दूं, इन्होंने जनता को ऐसा लुभावना सपना दिया था कि हम 15 लाख देंगे, हम वो करेंगे, इन्होंने अपना घरे से नहीं उतरे, जनता ने इनका इतना साथ दिया। जैसे मैं आपको बता दूँ, टूटी खटिया फटी लंगोट मोदी जी को व्यापारियों ने, युवाओं ने और किसानों ने दिए धाप के वोट, उसके बाद भी नतीजा ये निकला है। इनके सामने सोचा था उन्होंने कि ये पेंट पे बुशेट आएगी, उनको ये नहीं मालूम कि है जो कपड़े वो भी भारत के जनता के खुल जाएंगे। महेश चौहान, ओबीसी कांग्रेस अध्यक्ष। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV News, सच्चाई की वापसी।